अब आपको बताएं, ऑरेंज ट्रेन मुलाजमीन और एसी मॉडल टाउन के दरमियान मुजाकरात कामयाब हो गए। ऑरेंज ट्रेन मुलाजमीन का धरना खत्म करने का ऐलान। एसी मॉडल टाउन का कहना है कि 700 से ज्यादा मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का मसला हल कर दिया है। पीर तक 2 माह की तनख्वाहें मुलाजमीन के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली बताइए। जी, शहर लाहौर में आज कलमा चौक पर सुबह से ही मेट्रो स्टेशन के जो अमला है, जो इस पर ड्यूटी करता है, वो अपनी तनख्वाहों के हवाले से एहतजाज कर रहा था। उन्होंने मेन कलमा चौक को बंद कर दिया। एसी मॉडल टाउन इस वक्त उनके साथ मुजाकरात कर रहे हैं, जबकि दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछ रहे थे कि इनका मसला दरअसल है क्या और इसका हल कैसे निकल सकता है। सर, मसला ये है कि कंपनी ने बिन बताए हमें नौकरी से फारग किया है। 2 माह की सैलरी है, वो सैलरी नहीं दे रहे। आगे नई कंपनी को कॉन्टैक्ट दिया है, वो आगे से 5200 रुपये यूनिफॉर्म का ले रहे हैं, 500 रुपये का कार्ड बना के दे रहे हैं। इतनी मशक्कत उठा के कर करवा के बाद में जिसकी रहाइश चुंगी पे उसको कजाफी भेज रहे हैं ड्यूटी पे। करनी करो, नहीं करनी तो चले जाओ। हमारा मुतालबा ये है कि हमें 2 माह की प्रॉपर तनख्वाह दी जाए और हमारा जो नौकरी का मसला वो हल किया जाए। कितने लोग हैं बेरोजगार? 750 वर्कर है। और तनख्वाहें कौन सी है? सैलरी 2 माह की, जुलाई की पिछली 2 माह की सैलरी नहीं आई। आपने देखा जी, कलमा चौक पे मौजूद है कैमरामैन जिशान, आपको दिखाएगा ओवरऑल सारा व्यू कि ये बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और एसी मॉडल टाउन के साथ इनके को मुजाकरात हुए हैं। मकसद सिर्फ इनका एक ही है कि इनको नौकरी पे बहाल किया जाए। अच्छा सर, हमारा मुतालबा था, हमें बगैर नोटिस के निकाला। हमारे 45 दिन की सैलरी, जुलाई पूरा, आधा अगस्त और दो ड्यूज साल के जब 25 से 32 हुई थी, इन्होंने नहीं दी। हमारा मामला तय पाया है, वो मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर वो ना करेंगे, मंगल को 9 बजे यहाँ पे हम आ जाएंगे। आपने सुन लिया, जिनके मुजाकरा जो इब्तदाई तौर पे हुए उसके मुताबिक इनके पीर वाले दिन तक इनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी। एसी मॉडल टाउन के जो मुजाकरात हुए, एसी मॉडल टाउन भी यहीं पे मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वो मुझसे बात करें। जी, जिस तरह के आप जानते हैं, ये इशू जो है मेट्रो की एक आगे आउटसोर्स कंपनी थी, सिक्योरिटी कंपनी, उसके और उसके एम्प्लॉयज के बीच में था सैलरी से। अल्हम्दुलिल्लाह जो कंपनी है उसकी सीनियर्स भी हैं, मेट्रो के भी यहाँ पे मैनेजमेंट आई थी और जो मुतालबात इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी आए हैं। उनका रिटर्न में एग्रीमेंट करवा दिया और इंशाल्लाह पीर वाले दिन के तमाम जो ड्यूज हैं वो क्लियर कर दिए जाए। एसी मॉडल टाउन का ये कहना है कि रिटर्न मुआहदा हो चुका है, अगर पीर वाले दिन तनख्वाहें ना मिली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के ये मजाज होंगे। और ये अभी धरना कुछ देर खत्म पहले ये खत्म कर दिया गया, एसी मॉडल ने अपनी निगरानी में करवाया और अभी ये सड़क क्लियर की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया।